आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चुननी चाहिए, हमें कौन सी लैंग्वेज पहले पढ़ लेनी चाहिए। तो अगर आप प्रोग्रामिंग में बिगिनर हो या अगर हम आप प्रोग्रामिंग करने की सोच रहे हो तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि पहली लैंग्वेज हम कौन सी सीखें। तो बहुत सारी सलाह लोग देते हैं, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि हमें सी लैंग्वेज पढ़ लेनी चाहिए, कुछ दोस्त होता है जिसको प्रोग्रामिंग में कुछ एक्सपीरियंस होता है तो वो कहता है पाइथन सीख लो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर आप गूगल भी कर लोगे इस सवाल को तो आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे और बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर आपको मिलेंगे। कोई भी आंसर में आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको पढ़नी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी लैंग्वेज हमें पढ़नी चाहिए एट द बिगिनिंग। तो बहुत ही हेल्पफुल आपको ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरे में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ एम ऐसे उन्होंने डिसाइड करके रखा होता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, कुछ लोग वेबसाइट डेवलपमेंट में आगे जाना चाहते हैं, कुछ लोग हैकर बनना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में कुछ करना चाहते हैं। तो उनका जो पैथ होता है वो अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं। मतलब कोई उनको रिकमेंड करता है, उनका कोई दोस्त, कि यार अगर तुम वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट सीख लो, बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप उस टाइप के इंसान हो जिसको कंप्यूटर साइंस में कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करना है, कुछ भी नई चीज़ें नहीं सीखनी है, कुछ भी नॉलेज नहीं लेना है और आपको डायरेक्टली वेब डेवलपमेंट में ही जाना है, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो और आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है उस लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो। मतलब अगर आपको जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट करनी है तो जावास्क्रिप्ट में जा सकते हो, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और अगर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट चाहिए तो डायरेक्टली आप एंड्रॉयड में चले जाओ, कोई नहीं। तो अगर आप इस टाइप के इंसान हो कि ऐसा ये जो ट्रैक है वो अच्छा है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो और वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपको कंप्यूटर साइंस में सच में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस से प्यार करते हो, आपका कंप्यूटर साइंस में पैशन, आपको यहाँ कंप्यूटर साइंस में कुछ ना कुछ गेन करना है तो आप एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिगिनिंग में ही आपको चुननी पड़ेगी। आप डायरेक्टली पाइथन से स्टार्ट करो तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों। अगर आप सच में कंप्यूटर साइंस में कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हो, सच में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो आप सी से स्टार्ट करिए। अब ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप ये चीज़ मत कीजिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है। आप चाहे तो सौरभ शुक्ला जो एक्सपर्ट है प्रोग्रामिंग में उनका वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, उन्होंने भी सी और C++ ही हमें पहले सीखने चाहिए हमारे करियर में, यही चीज़ उन्होंने बताया है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ रीज़न कि हमें क्यों सी और C++ ही सीखनी चाहिए। तो फर्स्ट रीज़न यहाँ आता है, देखो सी लैंग्वेज एक हार्डवेयर इंटरेक्शन की लैंग्वेज है, मतलब वो हार्डवेयर से बहुत ही क्लोज है, C++ भी क्लोज है। तो सी लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तब हम कंप्यूटर की फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, बेसिक्स पढ़ते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअल में एक डम्ब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हम उसको बहुत ही स्क्रैच से, बहुत ही बिगिनिंग से हमें उसको कमांड देनी है और कंप्यूटर में कुछ ना कुछ हमें टास्क परफॉर्म करने, कुछ ना कुछ ऑपरेशन हमें वहाँ कंप्यूटर से करवा लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको बहुत ही बारीकी से कंप्यूटर को समझना है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक्चुअल में क्या होती है, अगर आपको ये चीज़ें समझना है, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के बेसिक्स अगर आपको समझना है तो आप सी लैंग्वेज आपको बहुत हेल्प करेगी। यहाँ कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जैसी कि जावा, पाइथन या कॉटलिन यहाँ हेल्प नहीं करेगी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज ही आपको कंप्यूटर के बेसिक समझने में मदद करेगी। देखो मैंने C++ कवर कर लिया है, मैंने जावा और अभी एंड्रॉयड चल रहा है और मुझे पता है कि मुझे ये जो ट्रैक है सी के बाद C++ और C++ के बाद कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर लो आपको चलेगा, बट पहले हमें सी से ही स्टार्ट करना होता है। और मुझे पता है कि सी सीखने के बाद C++ बहुत ही सिंपल जाती है और C++ सीखने के बाद चाहे कोई भी लैंग्वेज हो बहुत ही सिंपल हो जाती है। अगर पाइथन की बात करें, अगर आप डायरेक्टली पाइथन से स्टार्ट करोगे तो पाइथन की अपनी एक एब्स्ट्रैक्शन है, पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, आपको बहुत ही ईजिली वहाँ प्रोग्रामिंग करने मिल जाएगा, बट आपको ये चीज़ें पता ही नहीं चल रही कि बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। मतलब एट द एंड वो कंप्यूटर कैसे उस चीज़ों को, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर सी लैंग्वेज से आप स्टार्ट करते हो ये सारी चीज़ें आप बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड आपको हो जाएगी, बहुत ही ईजिली आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। तो इसीलिए सी लैंग्वेज हमको बेसिक समझने में बहुत मदद करती है। अब अगर C++ की बात करें तो C++ भी बहुत ही हेल्पफुल होती है इस चीज़ में। देखो सी के बाद आपको C++ ही पढ़नी चाहिए क्योंकि सी में हमें बहुत ही सिंपल चीज़ें जैसे कि ऑपरेटर्स, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, पॉइंटर्स, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर एडवांस जाना चाहते हो तो आप फाइल हैंडलिंग कर लो। और अगर C++ की बात करें तो C++ का एक बहुत ही मेन फीचर ये होता है कि
हम वहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पढ़ेंगे, और एक बार आपने C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पढ़ लिया तो उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हो C++ के बाद। मतलब अगर आपने C पढ़ ली है उसके बाद C++ पढ़ोगे, और अगर आप अब जावा पे जाने वाले हो तो आप जावा सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में ही सीख लोगे, क्योंकि आपने पहले ही बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए हो, मतलब आपका बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग हो चुका है सी और C++ सीखते समय। तो इसीलिए सी और C++ के बाद कोई भी लैंग्वेज पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ जावा नहीं, कॉटलिन, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज हो वो पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बाद का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि सी और C++ अनकंटिन्यू हो चुकी है। देखो यार, ये बहुत बड़ा मिथ है कि सी और C++ अभी यूज़ में नहीं है। सी और C++ का यूज़ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो रहा है। सी और C++ हम बहुत सारी जगह पे यूज़ करें, जैसे कि सी लैंग्वेज जहाँ जहाँ भी हार्डवेयर इंटरेक्शन, मतलब फर्मवेयर में जो कोडिंग होती है, वो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना या कंपाइलर को डेवलप करना, ये जो मतलब सिस्टम की प्रोग्रामिंग होती है, ये करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है, और C++ एक यूज़ की जाती है अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करें या गेम डेवलपमेंट में, सिर्फ और सिर्फ C++ को यूज किया जाता है। C++ का गेम डेवलपमेंट में बहुत डिमांड है। अगर गेम डेवलपमेंट आप करना चाहते हो तो आपको सी भी आनी चाहिए, और उसके बाद C++ या C# में से एक लैंग्वेज से आप गेम डेवलपमेंट में आपका करियर बना सकते हो। तो ये कुछ रीज़न है। तो अगर ऐसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं ऐसी वीडियो में।